सलाम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं जा रही हूँ शॉपिंग पे तो नहीं, मैं अपनी मिस का गिफ्ट लेने जा रही हूँ, क्योंकि कल से मेरे कॉलेज बंद हो जाएंगे, मतलब कल मेरा लास्ट डे है कॉलेज का, तो इसलिए मैं सोचा मिस को गिफ्ट देती हूँ। और यहाँ पे मैं मॉल पहुँच गई थी, तो पहले मैंने मिस का गिफ्ट लिया और उसके बाद जो है हम लोग ने अपनी कुछ चीज़ें लेनी थी, उसके बाद वो ली हम लोग ने। कल मेरा लास्ट डे है और खुश भी हूँ और थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है उसके बाद, क्योंकि यूनी चल जाऊँगी, न्यू फ्रेंड्स न्यू टीचर्स होंगी, तो थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है परफ्यूम मैंने देखे, क्योंकि गिफ्ट जब देना होता है तो सबसे पहले दिमाग में आता है यार परफ्यूम दे दें, तो वो देखे, लेकिन वो मम्मा को थोड़े समझ नहीं आए, तो मम्मा ने कहा चलो कुछ और देखते हैं, उसके बाद अगर नहीं मिलता कुछ अच्छा तो फिर हम कहीं और से देखेंगे, और अगर मिल गया तो ठीक है, वरना हम कहीं और से परफ्यूम वगैरह देख लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है बहुत अच्छी अच्छी वॉच भी थी, लेडीज़ वॉच थी, जेंट्स वॉच थी, लेकिन मैंने जो है वॉच भी देखी, लेकिन मम्मा को वो भी समझ नहीं आई। और ये क्यूट सा मुझे पाउच भी बहुत अच्छा लगा था, क्यूट सा था, जो कि ख़त्म हो गया था, सिर्फ दो तीन थे, तो मैंने अपने लिए ये लिया। और वॉच जो है मैं मिस के लिए देख रही थी, लेकिन मम्मा को कोई इतनी ख़ास पसंद ही नहीं आ रहा था, कुछ भी मम्मा को पसंद नहीं आ रहा था, जो मम्मा को अच्छा लग रहा था वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ पर हमने बहुत सारी वॉच देखी, ये तो जेंट्स वॉच थी। और उसके बाद जो है हमने मिस के लिए कहा तो देखते हैं लेते हैं कहीं ना कहीं से, तो यहाँ पर मम्मा को मास्क वगैरह लेना था अपने लिए, तो मम्मा ने वो मास्क वगैरह लिए और मिस को छोड़ दिया हमने। हमने कहा चलो कहीं और से देखते हैं, मिस के लिए कुछ ना कुछ लेंगे, लेकिन क्योंकि आज ही लेना था, कल लास्ट डे था मेरा, कल देना था मुझे। और यहाँ पे जो है मैंने स्केच बुक वगैरह लेनी थी, क्योंकि अब मेरे कॉलेज ऑफ मतलब बंद हो जाएंगे और क्लोज हो जाएंगे, तो मुझे बिल्कुल ही टाइम ही टाइम होगा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं स्केचिंग करूँ, और मतलब क्योंकि ड्राइंग वगैरह करूँ, क्योंकि मेरी इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है, तो मैंने कहा वो करूँगी मैं। उसके बाद जी यहाँ पे जो है हम लोग फिर मिस के लिए हम लोग ने सोचा चलो कोई अच्छा सा मेकअप वगैरह में से कुछ लेते हैं, कॉस्मेटिक में से उसमें लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आए, हम लोग ने देखा यहाँ पे चीज़ें, स्टिल मम्मा को कुछ नहीं अच्छा लगा, क्योंकि गिफ्ट के लिहाज से मम्मा को नहीं अच्छा लगा, वो भी टीचर को देना था, तो मम्मा ने कहा कुछ अच्छा सा दें, टीचर के लिहाज से कुछ दें। तो फिर हम लोग ने बहुत ज़्यादा देखा, उसके बाद हमारे आगे जो है फैमिली में ही हमारी कोई शादी आ रही है, तो मम्मा ने कहा चलो हम लोग अपने लिए भी कुछ हम लोग को लेना था, तो हम लोग ने वो भी लिया। और मिस के लिए भी हम लोग ने फिर कहा कि देखते हैं कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाएगा, कहीं से तो मिलेगा जो मम्मा को अच्छा लगेगा। तो उसके बाद जी यहाँ पे हम लोग सारी चीज़ें देखी और मम्मा ने अपनी चीज़ें ली, मम्मा को जो चीज़ें लेनी थी, क्योंकि हमारे साथ यही होता है कि हम लेने कुछ आते हैं और ले के कुछ जाते हैं, पर इस दफ़ा हमने मिस के लिए भी ले लिया था। और यहाँ पे जो है हमने मिस का गिफ्ट ले लिया था, तो हमने सैंडल की शॉप पे आए, क्योंकि नेक्स्ट मंथ हमारी फैमिली में जो है जो शादी है, तो उसके लिए हमने सैंडल लाजमी लेनी थी, तो हम लोग यहाँ पे देखने के लिए आए थे। और यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी सैंडल थी, मुझे एक सैंडल इतनी प्यारी लगी, ये वाली मुझे इतनी सैंडल प्यारी लगी थी, तो मैंने कहा मैं ये वाली ज़रूर लूँगी, पर एक दफ़ा ड्रेस ले लूँ उसके बाद। और मैंने यहाँ पे एक सैंडल ली भी है, जो कि मैं आप लोग को दिखाऊँगी इंशाल्लाह ज़रूर। मैंने सैंडल एक अपनी ली है, वो शादी के लिए नहीं, वो ऐसी मैंने ली है कि मैंने पहननी है, क्योंकि मुझे वो अच्छी लगी थी बहुत, तो मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊँगी।
और एक काम करने आए थे और 10 काम हम लोग ने कर लिए। मतलब यहाँ पे अभी मेरे भाई की नेक्स्ट मंथ बर्थडे आ रही है, तो मम्मा ने कहा कि उनके लिए हमें कुछ लेना है। मतलब हम लोग सोच रहे थे मोबाइल गिफ्ट करने का, तो हम लोग यहाँ पे मम्मा और मैं जो है मोबाइल वगैरह देखने लगे थे आके, क्योंकि नेक्स्ट मंथ मेरे भाई की फर्स्ट को बर्थडे है। तो हम लोग ने सोचा कि हम लोग मोबाइल या कैमरा वगैरह जो भी है, जो भी भाई को पसंद है, तो क्योंकि मम्मा ने ही देखना था सब कुछ, मैं तो देख ही नहीं रही थी, मैं सिर्फ व्लॉग बना रही थी। तो मम्मा देख रही थी ये सब चीज़ें कि ठीक है क्या लेना है क्या नहीं लेना। और इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में जो है शेयर करूँगी, अगर हो सका कॉलेज में व्लॉग बना सकी, क्योंकि अलाउ नहीं है कॉलेज में, तो अगर हुआ तो मैं कॉलेज में लास्ट डे का अपना व्लॉग बनाऊंगी। इतना कोई ख़ास कुछ होगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की तरह नहीं है कि आपका लास्ट डे हो तो आप मस्ती मजाक वगैरह करो, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन मैं फिर भी ट्राई करूँगी कि मैं कुछ ना कुछ व्लॉग बना लूँ। और यहाँ पर एक बुक दी जाती है हमें, जिसपे हमें लिखना होता है, वो भी मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उसकी मैंने वीडियो बना ली थी, क्योंकि वापसी मिस को देना था वो, तो वो मैंने दे दिया था, लेकिन उससे पहले मैंने वीडियो बना ली थी, तो वो मैं इंशाल्लाह ज़रूर अपने नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। अभी शेयर करती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, तो इस वजह से मैंने सोचा कि वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में अपने अपलोड कर दूँगी इंशाल्लाह। और फाइनली मैं घर जा रही थी मम्मा के साथ। आओ तो इतना मम्मा टाइम लगाती है हर चीज़ में, इधर भी तो उधर भी। अब मैं फाइनली घर जा रही थी। आप लोग को मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।